नमस्कार सलाम, मैं हूँ सामिया खान और आप देख रहे हैं टुडे जुनून। झांसी जिले के कस्बा क्षेत्र में आने वाले पूंछ से जा रहे व्यापारी के तीन लोग द्वारा आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसका पैसों से भरा बैग लेकर भाग जाने की घटना का आज झांसी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो कर्ज में फंसे व्यापारी के मुनीन ने ही कर्जों से बचने के लिए इस लूट की फर्जी घटना को अंजाम दिया था। आइए सुनते हैं कि पुलिस ने इस पर क्या कुछ कहा है। कारोबारी का जो कलेक्शन एजेंट है वो कोंच जो जनपद जालौन से अपना कलेक्शन का पैसा लेके निकले थे और झांसी जनपद एंटर करते ही उनका साथ एक घटना हुआ था, जिसमें उनका द्वारा कहा गया था कि तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए थे और उनका आंख में मिर्ची पाउडर डालकर पूरा पैसा लेकर फरार हो गया। तो इस घटना खुलासे के लिए हम लोग तीन अलग अलग टीम गठन किए गए थे। इसमें CCTV फुटेज वगैरह देखा गया था, उसमें एक क्लू मिल गया था। उस क्लू से आगे बढ़ते हुए हमारे विवेचना के क्रम में हम लोग पूछताछ करते गए तो तब हम लोग को ये क्लियर हुआ कि एक ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो विक्टिम है उन्हीं के साथ मिला हुआ था। ये दोनों मिलकर प्लान करके ये घटना कारित किए गए थे। ये जो कलेक्शन एजेंट है उनका खास मित्र है, पिछले 3 साल से इनका साथ लगातार AC मैकेनिक का काम भी करता था और घटना जिस दिन किए थे उसके बाद ये पैसा लेके अपना घर ले जाके एक सुरक्षित जगह पे छिपा के रख दिया था। हम लोग पूरा जो 19 लाख का है पूरा हम लोग बरामद कर लिए गए हैं। जो घटना स्थल पे जो वादी से जो 2 मोबाइल भी लेके फरार हो गए थे उसको भी हम लोग बरामद कर लिया। तो 100% रिकवरी हम लोग 3 दिन के अंदर हम लोग इस घटना को खुलासा कर दिए। तो ये थी झांसी से हमारे संवाददाता अंकित चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए टुडे जुनून।